वेलकम टू शॉर्ट्स व्लॉग। जैसे कि लॉकडाउन की वजह से हम सब घर से बाहर नहीं निकल सकते और मैं भी बोर हो रहा था काफी, और उम्मीद है कि आप भी सब बोर ही होंगे, बल्कि श्योरिटी है कि आप सब बोर होंगे। तो मैं आज कुछ एक्टिविटीज करने वाला हूँ अपने भाई के साथ। मैं खुद आपको दिखाऊंगा मैं क्या करता हूँ। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस, ये है हमारी बोरियत भगाने की चीज़। अभी मैंने 7-8 साल के बाद, बल्कि 10 साल हो चुके होंगे उसके बाद, ये मैंने की है गेम डाउनलोड कंप्यूटर में और मैं खेलना शुरू किया। और उसके भाई है जो लॉकडाउन में अभी बाहर निकलते हैं, लॉकडाउन में निकलते हैं और पुलिस को मार के आ जाते हैं। यहाँ पे अपनी सारी मतलब के कसरत निकाल रहे हैं ये सब। तो अभी तो ये मदद कर रहे हैं, अभी मैं आऊँगा गेम में तो पुलिस 6 तारीख। तो गाइस, आप देख चुके हैं कि हमने 6 स्टार्स कर दिए हैं पुलिस के। अब हमारे पास पेंजर भी आ रही है। मैं आपको थोड़ा रिप्ले में दिखा दूं कि ये है हमारा रिप्ले तबाही करते हुए जा रहे हैं। तो 6 स्टार के बाद सारी पुलिस मिलिट्री वगैरह सब आ जाती है, तो हम इधर ही अपने आपको बस्टेड कर देते हैं, हार मान जाते हैं, क्योंकि इतना तंग कर लिया है उन्होंने को और मतलब कि बोझ सा हो जाता है थोड़ा सा। और लगभग मैंने सारी मशीन्स कर लिए हैं, मशीन्स भी कर लिए हैं, बस कुछ ही रहती है। तो गाइस, अभी हम सीरियस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। थॉट देखिए कि क्या थॉट है उनकी। और मेरा कजन भी मैं हमारे साथ है और उससे पूछेंगे, उसका फादर भी डॉक्टर है, तो चलते हैं मेरे कजन के पास और ये आपको बताएंगे कि हाला शहर के बारे में और थोड़ा सा डॉक्टर्स के बारे में, क्योंकि इसका फादर डॉक्टर है तो ये आपको बताएंगे। तला भाई, अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी सब खैरियत है। हम लोग अपने घरों में बैठे हैं, उम्मीद है आप भी अपने घरों में होंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आजकल बाहर सूरत हाल बहुत बुरी चल रही है, लॉकडाउन लगा हुआ है, बेसिकली इट्स नॉट कर्फ्यू, इट्स केयर फॉर यू। सो इसलिए मतलब अपने घरों में रहे, घरों से बाहर ना निकले। ये जो पुलिस और रेंजर्स वाले बाहर डंडे चला रहे हैं, ये कोई गलत नहीं कर रहे, ये लोग चाह रहे हैं लोग अपने घरों में महफूज रहे, लेकिन आवाम बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, अपने घरों में नहीं रह रहे, लोगों को अपनी जान की केयर नहीं है। आप देखें इटली में किस तरह से कोरोना वायरस तेजी से फैल गया है, मोर देन 7,000 पीपल्स वर डाई। अमेरिका में देख ले 1,00,000+ केसेस हो चुके हैं। ये जो डॉक्टर से पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान में दिन भर दिन रात एक करके हमारे लिए ये जदोजहद कर रहे हैं, हमारे लोगों को बचा रहे हैं, ये भी हमारे ही भाई है, कोई बहन होगी, ये सब हमारे ही लोग है। और ये सिंध में इतने केसेस रिकवर भी हुए हैं माशाल्लाह। तो ये है कि डॉक्टर्स 41 केसेस भी, हाँ, तो डॉक्टर्स अपनी मतलब मेहनत कर रहे हैं और रेंजर्स भी माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है। हाला शहर पूरा लॉकडाउन है, दुकानें वगैरह बस पर यूटिलिटी स्टोर से मेडिकल स्टोर से ये खुली हुई है और ये के अच्छा काम कर रहे हैं रेंजर्स वाले पुलिस वाले। तो माशाल्लाह हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए, हम अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये कोई फायदा नहीं होगा, केसेस भी बढ़ते जाएंगे, केसेस बढ़ भी रहे हैं आजकल, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मैं सुबह उठता हूँ 100-150 केस बढ़ता हुए देखता हूँ, पाकिस्तान में 1,800+ केसेस हो चुके हैं। और साथ भाई आप एक बात नोट करें, पंजाब ने इस बात को लॉकडाउन को सीरियसली नहीं लिया और सिंध में 2 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है और पंजाब ने 16 मार्च से लॉकडाउन किया। अभी आप केसेस देख लें, पंजाब में सिंधु से ज्यादा केसेस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन को एक मजाक समझा, उन्होंने सीरियस नहीं लिया। ऑल एप्रिसिएशन गोज़ टू सीएम मुराद अली शाह। और भाई मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी घरों से बाहर निकले अपना एनआईसी अपने साथ लेकर निकले, क्योंकि रेंजर सबसे पहले कहती है कि अपना एनआईसी दिखाएं।
और उसके बाद आप उनको वैलिड रीजन बताएं और मेहरबानी करके गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले, अपना सोचे, अपने पेरेंट्स का सोचे, अपनी फैमिली का सोचे, लोगों का सोचे। और जाहिर सी बात है, घर से निकले तो रीजन बता के निकले और कोई काम हो तो फिर ही निकले, और सैनिटाइजर लाजमी आप हाथ में लेके घूमे, और बाहर निकले तो सैनिटाइजर लाजमी लेना चाहिए। और अल्कोहल होता है और जिसकी वजह से उनका हाथ या बॉडी बर्न हो सकता है, फ्लेम पैदा होता है इसकी वजह से, तो उसकी वजह से हाथ भी जल सकते हैं। और खास करके सुट्टे बालों के लिए खास पैगाम है कि तो गाइस अभी हम करते हैं अपने ब्लॉग की एंड। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी बात क्लिक की हो तो मेहरबानी करके उस पर एहतियात कीजिएगा और लोगों को भी बताइए। और अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू गाइस।